वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A34 और आज की वीडियो में देखेंगे कैसे आप इस फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको एप्लीकेशन हाइड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एप्लीकेशन लॉक करने के लिए कोई फीचर इनबिल्ट नहीं मिलता। इसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। मैंने आपको बेस्ट एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं आपको गैलरी एप्लीकेशन है उसे लॉक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं ऐप लॉक करके एप्लीकेशन है जिसके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, उसे आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अब जैसे आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे, आपको यहाँ पर क्रिएट अ पिन करने के लिए कहेगा, जिससे कि आप एप्लीकेशन को अनलॉक करोगे। यहाँ पर मैं बेसिकली 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐड कर देता हूँ, टेम्पररी है, बाद में से आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप लॉक का और स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये इस एप्लीकेशन में ना के बराबर एडवर्टाइजमेंट है। सेटिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को पिन से भी लॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से भी लॉक कर सकते हो, फेस से भी अनलॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की है, यहाँ पर आप बैक के ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ से आप पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जैसे ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के लिए आप क्लिक करें उसके ऊपर। यहाँ पर मैं गैलरी एप्लीकेशन को लॉक करने वाला हूँ, इसलिए जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक और प्लस का आइकन आएगा, उसके ऊपर मुझे क्लिक करना होगा। मैं क्लिक करूँगा उसके बाद ही एप्लीकेशन लॉक होगी। अब फर्स्ट टाइम यूज़र, इसलिए मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना होगा, जैसे डेटा एक्सेस की और उसके अलावा नोटिफिकेशन की, क्योंकि ये एप्लीकेशन अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इस वजह से इसे कुछ परमिशन तो हमें देनी होगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, मैं उसे भी यहाँ पर अलाउ दे देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही करूँगा ओके, नोटिफिकेशन डन। अब यहाँ पर मुझे ऐप का फाइल स्टोरेज की भी परमिशन मांग रहा है, डन कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है फेक करके। अब जैसे आप फेक को ऑन कर दोगे, जब भी कोई एप्लीकेशन ऑन करेगा तो अनसपोर्टेड की एरर आ जाएगी और उसे कहेगा भाई साहब एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। इस वजह से यहाँ, लेकिन अगर आप ओके के बटन के ऊपर होल्ड रखोगे तो एप्लीकेशन अनलॉक कर पाओगे। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर दोस्तों, मैंने गैलरी को ऑन करा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गैलरी हैज़ बिन स्टॉप। लेकिन अगर मैं ओके के बटन के ऊपर होल्ड रखता हूँ तो फिर मुझे पासवर्ड ऐड करने के लिए कहेगा, मैं अपनी लॉक करी एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो फिंगरप्रिंट से भी, फेस अनलॉक से भी एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकता हूँ। काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।